आईआईटी रुड़की या फिर आईआईटी खड़गपुर, दोनों में से किसी चुने। भाई देखा जाए तो जोसा काउंसलिंग के वक्त कई सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं जब दो कॉलेजेस में से एक कॉलेज हमें चूज करना होता है। सो आईआईटीएंस द्वारा चलाए जाने वाले इस करियर फोरम में आज हम आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे, जिसमें इन दोनों कॉलेजेस की कई सारी डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। सो एंड तक आज का यूनिक सेशन जरूर देखें। व्यूअर्स यू वॉचिंग फ्रेशर्स गेट, ऐसे ही नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के लिए प्लीज आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, आईआईटी रुड़की हो या फिर आईआईटी खड़गपुर, दोनों ही ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रीमियम एंड क्वालिटी इंजीनियरिंग स्टडीज के लिए जाने जाते हैं। अगर हम इन दोनों के ऑल ओवर इंडिया एनआईआरएफ रैंक की भी बात करते हैं, दोनों के रैंक्स लगभग सेम है, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं। आईआईटी रुड़की में आपको 18 ब्रांचेस मिल जाती है, जिसमें आप आफ्टर 12 जेईई एडवांस के स्कोर पे एडमिशन पा सकते हैं। वहीं आईआईटी खड़गपुर में आपको टोटल 37 ब्रांचेस मिल जाती है आफ्टर 12। तो यहां पे आप देख सकते हैं किस टाइप के ब्रांचेस है। जैसे आईआईटी खड़गपुर में आपको 15 डुअल डिग्री ब्रांचेस मिल जाती है। मेरे ख्याल से सभी आईआईटीज में सबसे ज्यादा डुअल डिग्री ब्रांचेस आपको आईआईटी खड़गपुर में ही मिलने वाली है। ऑन द अदर हैंड, आईआईटी रुड़की में आपको 4 डुअल डिग्री की ब्रांचेस मिलती है, लेकिन वो भी बैचलर ऑफ साइंस की ही ब्रांचेस मिलती है। इंजीनियरिंग में यहाँ पे कोई भी डुअल डिग्री ब्रांच आपको नहीं मिलने वाला है, लेकिन यहाँ आपको 5 ईयर एमटेक की 2 ब्रांचेस जरूर मिल जाती है, जिसे हम इंटीग्रेटेड कोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइप के कोर्सेज अवेलेबल है इन दोनों आईआईटीज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें गाइज नंबर ऑफ सीट्स की, तो आईआईटी रुड़की में आपको 1353 सीट्स मिल जाती है सभी यूजी डिपार्टमेंट्स को पकड़ के। वहीं आईआईटी खड़गपुर में आपको 1869 सीट्स मिल जाती है सभी यूजी डिपार्टमेंट को पकड़ के। तो यहां पे आप देख सकते हैं नंबर ऑफ सीट्स भी आईआईटी खड़गपुर में सबसे ज्यादा है। अब अगर हम कट ऑफ की बात करें, तो यहां पे अब हम एग्जांपल लेंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इस ब्रांच का और ओपन कैटेगरी का। तो अगर आपको आईआईटी रुड़की में सीएससी चाहिए, तो आपका जेईई एडवांस का रैंक 400 या फिर उसके अंडर रहेगा, तभी आपको ये ब्रांच मिलेगी। वहीं ऑन द अदर हैंड, कोई ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आईआईटी खड़गपुर का सीएससी चाहिए, तो उसको 300 रैंक पे भी वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस साल का जो क्लोजिंग रैंक रहा है आईआईटी खड़गपुर के सीएससी का 280 रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए और कंपेयर कीजिए कितना ह्यूज डिफरेंस आ रहा है। आईआईटी रुड़की का 400 अगर आपका रैंक रहता है तब भी आपको सीएससी मिलेगा, लेकिन आईआईटी खड़गपुर में 300 रैंक रहा तब भी आपको सीएससी नहीं मिलने वाला है। तो ऐसे डिफर गाइज यहाँ के सभी मैक्सिमम ब्रांचेस में हमें देखने को मिलता है। इलेक्ट्रिकल हो, ईसी हो या फिर मैकेनिकल हो, सभी में 150 से लेके 200 तक का रैंक गैप हमें मिलता है। यानी कि इस मामले में आईआईटी खड़गपुर काफी फेवरेट रही है स्टूडेंट्स की, इसी कारण यहाँ के ब्रांचेस के कट ऑफ हाई जाते हैं एज कम्पेयर टू आईआईटी रुड़की। अब अगर हम एरिया की बात करें, तो आईआईटी रुड़की का टोटल एरिया है 365 एकर, वहीं आईआईटी खड़गपुर का टोटल एरिया है 2100 एकर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे बड़ा इनका इंस्टीट्यूशनल एरिया है। वहीं गाइज अगर हम यहाँ पे फैकल्टी की बात करें, तो आईआईटी रुड़की में आपको 500 प्लस लेक्चर स्टाफ मिल जाता है। वहीं ऑन द अदर हैंड, आईआईटी खड़गपुर में आपको 820 से भी ज्यादा फैकल्टी स्टाफ मिल जाता है। फैसिलिटीज की बात करें, तो दोनों ही काफी जबरदस्त इंस्टीट्यूशन है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज। दोनों में ही काफी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है आप लोग के लिए, सभी जगह लैब्स हो, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हो, तो दोनों में ही सभी तरह की डाइवर्स एंड यूनिक स्टूडेंट फ्रेंडली फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं गाइज वन ऑफ द हॉट टॉपिक की, यानी एडमिशन के बाद स्टूडेंट में जो डिस्कशन का माहौल रहता है वो रहता है ब्रांच चेंज को लेके। तो कौन से आईआईटी में ब्रांच चेंज का ऑप्शन है इन दोनों में से? तो यहाँ पे आईआईटी रुड़की में यस, आपके पास ब्रांच चेंज का ऑप्शन है। वहीं ऑन द अदर हैंड, आईआईटी खड़गपुर में भी आपको ब्रांच चेंज का ऑप्शन मिल जाता है, बशर्ते आपको अपने फर्स्ट ईयर में अच्छे सीजीपीए से आपको पास होना पड़ेगा, तभी आपको अपनी मनपसंदीदा ब्रांच जरूर मिलेगी। सो चलिए, इस गुड न्यूज के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। कंपैरिजन में नेक्स्ट है गाइस हमारे पास फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे दोनों ही आईआईटीज के फीस नियर अबाउट सेम रहेंगे, बस आपको थोड़े से वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं मेस फी में और आपके हॉस्टल फी में। तो यहाँ पे इस चार्ट को आप अच्छे से पॉज करके जरूर देखिए, और इसमें अगर आपको समझने में कुछ दिक्कत जाती है तो आप हमें कमेंट जरूर करें। फ्रेशर्स गेट जाना जाता है हर कमेंट के प्रॉपर आंसर के लिए। तो चलिए अब हम मोस्ट अवेटेड सेक्शन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि इन दोनों का प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आईआईटी रुड़की में इस साल 250 से भी ज्यादा कंपनियां आई थी स्टूडेंट्स को हायर करने, वही ऑन द अदर हैंड आईआईटी खड़गपुर में 300 से भी ज्यादा रिक्रूटर्स आए थे। प्लेसमेंट में अगर हम नंबर्स देखें, तो आईआईटी रुड़की में इस बार
550 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स अभी तक प्लेस हो चुके हैं। वही ऑन द अदर हैंड आईआईटी खड़गपुर में 1200 से भी ज्यादा यूजी स्टूडेंट्स प्लेस हो चुके हैं। आईआईटी रुड़की का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 1,30,00,000 पर एनएम का था, वहीं आईआईटी खड़गपुर का हाईएस्ट सैलरी पैकेज 2,60,00,000 पर एनएम था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईआईटी खड़गपुर काफी आगे है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। और गाइस अगर आपको हमारे बाकी वीडियोस की तरह ही आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर के एवरी ब्रांच का कंपैरिजन अगर चाहिए तो उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, क्योंकि जल्दी हम आईआईटी रुड़की और आईआईटी खड़गपुर के एवरी ब्रांच का प्लेसमेंट आपको बताने वाले हैं। सो गाइस आज के इस कंपैरिजन सेशन के विनर की बात करें तो नो डाउट आईआईटी खड़गपुर इज द विनर, जहां आपको कई सारी डाइवर्स इंजीनियरिंग के ब्रांचेस के साथ साथ गुड प्लेसमेंट सपोर्ट भी मिलता है। तो आज बस यही रुकेंगे गाइस, आई होप आज का सेशन आपको काफी पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली बार और एक नए और यूनिक एजुकेशनल स्टफ के साथ। टिल देन प्लीज आप अपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।